हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे फाइव हिडन या फाइव सीक्रेट साइंस शेयर करूंगी जो वो लड़की देगी जो आपको पसंद करती होगी, जो आपको जिसके बारे में आपकी ट्रू फीलिंग्स होगी। देखिए, कई वजह से लड़कियां अपनी फीलिंग्स को छुपाती हैं, सामने वाले को नहीं दिखाना चाहती कि वो उन्हें पसंद करती हैं। लेकिन ये जो साइंस है ये आपको उसके ट्रू फीलिंग्स के बारे में बता देंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रही है। देखिए, वैसे तो बहुत सारे बॉडी लैंग्वेज के साइन होते हैं जो लड़कियां बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आपको ये बता देती हैं कि वो आपको पसंद करती हैं। लेकिन जब कोई लड़की आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी ये ना बताना चाहती हो कि वो आपको पसंद करती है, वो बॉडी लैंग्वेज की से ऐसे आपको कोई भी साइन नहीं दे रही हो कि आपको ऐसा लगे कि उसके मन में क्या है, लेकिन ये साइन, ये हिडन साइन, ये आपको अपने आप उसके अंदर दिख जाएंगे, चाहे वो कितना भी आपसे अपनी फीलिंग्स को छुपाना चाह रही हो। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो साइन कौन से हैं जब वो लड़की आपको देगी जो वो आपको पसंद करती होगी। हालांकि वो आपको बताना नहीं चाह रही, लेकिन ये साइन आपको ये जानने में हेल्प करेंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है। सबसे पहला साइन, देखिए आप एग्जांपल से समझिए, जैसे आप वो लड़की कहीं साथ काम करते हैं या कॉलेज में कहीं भी आपका ग्रुप है, कोई फ्रेंड सर्कल है, तो अगर आप कोई मिलने का प्लान बनाते हैं सारे फ्रेंड्स के साथ, आप कहीं मिलने का प्लान बनाते हैं या किसी भी पब्लिक प्लेस पे, किसी भी इवेंट पे आप लोग कहीं जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, तो आप नोटिस कीजिएगा वो लड़की सबसे पहले पहुंच जाएगी। और अगर आप भी वहां पहुंच जाते हैं तो वो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू वो सारे साइन देगी कि जैसे कि वो आपको पसंद करती हो, आपसे अट्रैक्ट हो चुकी हो। हो सकता है कोई पब्लिक प्लेस हो या फिर आप किसी जगह पर आप दोनों ने मिलने का प्रोग्राम बनाया हो, ऐसे किसी भी जगह पर वो आपको ऐसे साइन देगी कि वो आपको पसंद करती है। लेकिन जैसे ही आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं या फिर और लोग आ जाते हैं, वो आपसे एक दूरी बना लेगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो गया, अभी तक तो ये लड़की आप में इंटरेस्ट दिखा रही थी, अचानक से वो आप में डिसइंटरेस्ट कैसे दिखाने लगी। देखिए, अगर आप सोचते हो कि आप उस कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखे तो आपको बहुत कोल्ड रिएक्शन देगी। देखिए, वो ऐसा इसलिए कर रही है कि वो नहीं चाहती कि लोगों को इस बारे में पता चले। वो आपसे इंटरेस्टेड है, आपसे अकेले में बात कर रही थी। देखिए, उसका एक हॉट से कोल्ड रिएक्शन देना, अचानक से उसके बिहेव चेंज हो जाना जब लोग वहां आ जाते हैं, जब आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं, उसका सीधा सा मतलब है कि वो लोगों को दिखाना नहीं चाहती कि वो आपको पसंद करती है। वो आपको पसंद तो करती है पर वो नहीं चाहती ये बात पब्लिक में आए। तो समझ जाइए, अगर कोई लड़की ये साइन दे रही है तो समझ जाइए वो आपको पसंद करती है। नंबर दो साइन, लड़की अगर आप इंटरेस्टेड है तो वो आपके साथ किसी ना किसी तरह का बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगी। वो आपके साथ अपनी पर्सनल चीजों को, अपनी पर्सनल बातों को शेयर करेगी, आपको अपनी चाइल्डहुड स्टोरी सुनाएगी, आप छोटी छोटी बातें वो आपको साथ शेयर करेगी जो वो किसी के साथ शेयर नहीं करती, अपनी लाइफ की छोटी छोटी स्टोरीज। और अगर आप उससे कभी उसकी लव लाइफ के बारे में पूछते हैं तो आपको घुमा फिरा के जवाब देगी। वो आपसे कहेगी कि वो किसी राइट पर्सन का वेट कर रही है। लड़कियां कभी भी अगर आपको ये नहीं बता रही कि वो किस में इंटरेस्टेड है, अपनी लाइफ आपके साथ शेयर नहीं कर रही, तो बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वो राइट पर्सन आप। वैसे लड़कियां कभी भी इतनी बोल्ड नहीं होती हैं कि वो अपने मन की बात सामने से आपको खुद बताएं। लड़कियां हमेशा ये चाहती हैं कि लड़का उन्हें प्रपोज करे, लड़का उन्हें पसंद करे, लड़के उन्हें अपनी मन की बात बताएं। इसलिए लड़कियां कभी भी खुद से आपको अपनी मन की फीलिंग्स नहीं बताएंगी। सोशल मीडिया का जमाना, आजकल लोग तरह तरह के पोस्ट करते हैं, तरह तरह की मीम शेयर करते हैं और सोशल मीडिया पर भी थॉट्स शेयर करते हैं, और कभी कभी तो एक दूसरे के साथ अच्छे कनेक्शन भी बनाते हैं। लेकिन जो लड़की आप में इंटरेस्टेड होगी वो आपकी सोशल मीडिया में भी आपको प्राइवेट मैसेज भेजेगी या फिर डीएम भेजेगी। देखिए, वो चाहती है कि आपकी फोटो पर कमेंट करे, लाइक करे और आपको भी आपके साथ आपके पेज पे मीम शेयर करे, वो सब कुछ करना चाहती है। लेकिन वो ऐसा नहीं करेगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके मन की बात, जो भी उसके मन में चल रहा है, वो सबको पता चले, वो सबको दिखाना नहीं चाहती। इसलिए वो आपको प्राइवेट मैसेज करती है, डीएम करती है। तो अगर आप भी उसमें इंटरेस्टेड हैं तो उसके इस बात का मान रखिए और उससे उसे प्राइवेट मैसेज में या डीएम में जाकर चैट कर सकते हैं आप। देखिए, बहुत अच्छा साइन है अगर लड़की खुद से आपको पहले मैसेज करे सोशल मीडिया में, लेकिन लड़कियां ऐसा नहीं करती हैं, वो कभी खुद से पहल नहीं करती। उनका हमेशा से मानना है, वो हमेशा से ही चाहती है कि लड़का पहल करे, लड़का उन्हें पहले मैसेज करे। फोर्थ नंबर साइन, अगर कोई लड़की आपको हॉट एंड कोल्ड रिएक्शन बार दे रही है, कभी कभी आपको लगता है वो आप में इंटरेस्टेड है और कभी कभी आपको लगता है कि वो आप में डिसइंटरेस्टेड है, कोई इंटरेस्ट नहीं है उसे। देखिए, अगर कोई लड़की कभी कभी आपको ऐसे साइन दे रही है कि वो आपको पसंद करती है और कभी कभी आपको पूरी तरह टोटली इग्नोर कर रही है, देखिए ऐसा इसलिए कि लड़कियां पहले आपको इंटरेस्ट दिखाती हैं, फिर वो आपको टेस्ट करती हैं कि आप भी इसमें इंटरेस्टेड हो या नहीं। इसलिए लड़कियां हॉट एंड कोल्ड रिएक्शन देती हैं।
कभी कभी वो अचानक से आपको एकदम से इग्नोर करने लगेंगी, और कभी कभी वो आप में इंटरेस्ट दिखाएंगे, आपको लगेगा कि वो लड़की आपको पसंद करती है, लेकिन अचानक से कुछ दिनों बाद वही लड़की आपको इग्नोर करने लगेगी, और फिर भी फिर थोड़ी देर बाद इंटरेस्ट दिखाएगी, फिर इग्नोर करेगी। देखिए लड़कियां इसलिए ऐसा करती हैं कि बीच बीच में वो आपका टेस्ट लेती हैं, क्या आप भी उसके बारे में वैसे ही सोच रहे हो, क्या आप भी उसे पसंद करने लगे हो, क्या आपके मन में उसके लिए फीलिंग्स आ गई, इसलिए वो आपको बार बार हॉट एंड कोल्ड रिएक्शन देती हैं, इंटरेस्ट और डिस इंटरेस्ट दिखाती हैं। तो अगर कोई लड़की ऐसा कर रही है, आप फिर डिस इंटरेस्ट दिखा रही, फिर इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट, फिर डिस इंटरेस्ट, तो समझिए वो लड़की आपको पसंद करती है, उसके मन में आपके लिए फीलिंग्स है। फिफ्थ नंबर साइन, बहुत अच्छा साइन है कि अगर कोई लड़की जब आपकी प्रेजेंट में, जब आप वहां होते हो, समझे, उस वो हैप्पी होती है, उसके चेहरे पर आप हैप्पीनेस देख सकते हो। क्योंकि जब कोई लड़की किसी को पसंद करती है, या लड़कों के साथ भी होता है, जब वो किसी को पसंद करते हैं और वो पर्सन वहां होता है, तो अपने आप खुद से सामने वाले के मन में एक हैप्पीनेस आ जाती है। वो कहते हैं डोपामिन रिलीज होने लगता है, एक ऐसा हार्मोन रिलीज होने लगता है जो इंसान को खुशी देता है। आप कितना भी कंट्रोल कर लो, अगर वो पर्सन जिसमें आप इंटरेस्टेड हो वो आपके सामने आ जाता है, तो आप अंदर से खुश हो जाते हो, और ये अंदर से जो खुशी होती है, ये हैप्पीनेस उस लड़की के चेहरे पे दिखाई पड़ने लगती है। वो आपको कुछ एक्स्ट्रा हंसेगी, उसके चेहरे पे एक्स्ट्रा हंसी होगी, या वो एक्स्ट्रा बोलेगी। अगर कोई लड़की आपके सामने आ जाने पर, अचानक जब आप उसके सामने आ जाते हो या आप उससे कहीं मिल जाते हो, तो अगर वो एक्स्ट्रा खुश है, एक्स्ट्रा बातें कर रही है, तो समझ जाइए वो लड़की आप में इंटरेस्टेड है। लड़की आप में इंटरेस्टेड है, फिर भी कभी आपसे ये दिखाएगी नहीं कि वो आप में इंटरेस्टेड है, अपनी फीलिंग्स को छुपा रही है, लेकिन हमेशा ये चाहती है कि आप उसकी फीलिंग्स को समझो, आप समझ जाओ कि वो आपको पसंद करती है, और कई बार वो आपको मौका भी देगी कि आप अपनी फीलिंग्स को उसके साथ शेयर कर सको, आप उसकी फीलिंग्स को समझ सको, कई बार वो आपको ऐसा मौका देगी, बस आपको समझना होता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो आप छोटे छोटे साइंस अगर आप नोटिस कर लेते हो, आप समझ लेते हो, तो आप समझ जाओगे कि वो लड़की आपको पसंद करती है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिस्टर लव एडवाइस, लव टिप्स और मोटिवेशनल वीडियो आपके लाते रहेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।